तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज मैं आया हूँ दिल्ली के मंडी हाउस में, तो जाना जाता है थिएटर एक्टिंग के बारे में, जहाँ से नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, शाहरुख खान, पंकज त्रिपाठी, बहुत सारे एक्टर यहाँ से निकले हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ सीखा, कहाँ कहाँ डिप्लोमा ली, सारा कुछ बताऊँगा डिटेल से। अभी मैं आया हूँ, तो देखते हैं फिर क्या है नहीं है यहाँ पे। कहाँ से उन्होंने, यहाँ से मैं गुजर रहा था, सोचा मैं दिखा दूँ। बहुत ही शांत है यार, बहुत शांत कॉलोनी है। अंदर घूम रहा था, लग रहा था कोई है ही नहीं, बहुत शांत कॉलोनी है यहाँ पे। तो कोई निकलता नहीं है, ये देखो गलियों में कोई नहीं है, लगता कोई निकलता ही नहीं है शाम के टाइम भी, पूरा खाली है। सारा भैया देखो आराम कर रहे अपना, कोई है ही नहीं, एक दो आदमी दिखेगा यहाँ पे। पूरा शांति है, पूरा देखो ये देखो, काफ़ी खूबसूरत जगह है। अच्छा ठंडक भी है, इक्का दुक्का आदमी दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा कोई खास है नहीं, बहुत ही शांत है, अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ से गुजर रहा था, एक श्री राम सेंटर नाम का यार थिएटर दिखा, यहाँ पे थिएटर होता है, यहाँ पे लोग बुकिंग करवाते हैं, अपना शो करवाते हैं, जो डायरेक्टर हो गए जितने भी हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 साल का कोर्स भी होता है। बहुत देखो गाइस, ये श्री राम सेंटर का बिल्डिंग है, ये पूरा जो दिख रहा है ना, पूरा बिल्डिंग है। अब एंट्री तो दे नहीं रहा ड्यू टू कोरोना, तो यही बिल्डिंग, इसमें अपना डायरेक्टर जिनको भी शो करवाना होता है, जिनको भी प्ले करवाना होता है अपना, तो यहीं पर इनकी फीस बहुत हाई है। मतलब एक बार बुक करवाने पर आपको पड़ जाता है 1 से 1.5 लाख रुपये पड़ जाता है। भैया बता रहे थे अभी, गार्ड भैया इनसे बात हुई थी, तो आपको कैमरे में दिख रहा है 1 से 1.5 लाख लगता है। लेकिन हाँ, अपना जिनको शौक है अपना करते हैं। ये देखो श्री राम सेंटर और प्रोग्राम ऑफ एक्टिंग थिएटर एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको दिख नहीं रहा होगा यार, फट रहा है पूरा। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ, शॉर्ट टाइम वर्कशॉप है, 2 मंथ का, 4 मंथ का है। अभी भैया से बात हो रही थी, श्री राम सेंटर में जो गार्ड है वो बता रहे थे कि पहले 2 साल का कोर्स होता था, अभी 1 साल का कर दिया। पहले 2 साल का लगता था 78 से 80 हज़ार रुपये लगते थे, 78 हज़ार से लेकर 80 हज़ार तक में लगते थे। लेकिन अब 1 साल का कर दिया कोर्स, अब पार्ट टाइम भी निकाल दिए उन्होंने, डायरेक्शन हो गया, 1 ईयर फुल टाइम कोर्स है, 1 ईयर पार्ट टाइम कोर्स है। तो आप जो भी जिसके में भी कम्फर्टेबल हो आप ले सकते हो, और जिनके पास यार अफोर्ड कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है वो ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और 78 हज़ार रुपये हाँ कॉस्टली है, लेकिन हाँ सीखने का हो सकता है मिले, भैया तो बता रहे थे बढ़िया है, लोगों की डिमांड भी होती है। तो हाँ आप अगर चाहो तो अब ले सकते हो, बढ़िया है। तो बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो श्री राम सेंटर के ऑफिशियल साइट में जाके चेक करो, क्या कोर्सेस है, कितने फीस लग रही है, और कुछ भी डिटेल चाहिए तो प्रॉपर वहाँ पर होगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि मोटा मोटी मैं बताया हूँ, बाकी आपको डिटेल जानना है एग्जैक्ट तो आप वहाँ जाके चेक करो, अगर आप कंफर्ट हो तो आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है। कोई बात देखो गाइस, ये फ्रंट से व्यू है यार श्री राम सेंटर, सही है ना, गेट बंद है भी, शोज हो नहीं रहे तो खोलने से भी फायदा नहीं है। देख लो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो। अब यहाँ पैसे गुजर रहा था तो बहुत लोगों का समोसा चाय लेते हुए देखा, चाय बहुत भीड़ थी, सोच रहा था कि यार लगता है लेते, एक बार ट्राई करके देखते हैं कितने लोग भीड़ है यार, कुछ तो खास होगा ही, मतलब लोग एंजॉय कर रहे हैं चाय और समोसे, कुछ स्पेशल होगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या है ना, कुछ स्पेशल होगा ही। यहाँ पर एक लौता दुकान है यहाँ पर, चलो देखते हैं ट्राई करके। तो गाइस चाय ले ली है, बहुत गर्म है यार, सही चाहिए, बढ़िया लग रहा है, ऐसी बात नहीं, बढ़िया चाहिए। समोसे तो टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि अपना नंबर आते आते तक यार ख़त्म ही हो गया था, चाहिए बढ़िया है, इलायची का, इलायची का फ्लेवर है। जब भैया से चाय ले रहा था तो भैया से पूछा यार बहुत खाली खाली लग रहा है, सूज नहीं हो रहे क्या? तो बोल रहे कोविड के बाद यार काम हल्का हो गया है, तो शोज भी नहीं हुए हैं, 3 महीने से दुकान खोले हुए हैं तो एक भी शो नहीं हुआ है तब तक, और खाली खाली भी बहुत है, देखो कोई नहीं यार, पूरा खाली है, बैरिकेडिंग भी हुई है, तो यार काम स्लो भी है, कुछ खास है ना, चलो ठीक है।
जैसा है सब सही। और यहाँ से गुजर रहा था, बहुत सही जगह मिल गया यार, मतलब रोड के बीचों बीच में पार्क है, सर्कल है एक तरह से, बहुत ही बेहतरीन है। लोग अपना यार प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्टिंग का, थिएटर का प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी लोग, बहुत ही अच्छा है। देखो माहौल हरा 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 है, अरे यार बहुत सही है, वहाँ पे सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना, और बहुत ही अच्छा माहौल है वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सामने दिख रहा होगा तो आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको पड़ जाता है यार कैमरा पता नहीं, जो वहाँ पे सामने है ना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। ये देखो गाइस ये थिएटर आर्टिस्ट है यार, सामने वाले जो साड़ी पहन रहे हैं ना लोग, देखो अपना रिहर्सल कर रहे हैं शोज के लिए लग रहा है, और प्रैक्टिस कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी ये लोग करते हैं, शोज करते हैं। जैसे मैं आपको श्रीराम सेंटर दिखाया था ना, तो उसमें इन लोगों का शोज होते हैं, तो अभी फिलहाल हो नहीं रहा ड्यू टू कोविड यार, दूर से ही कर रहा हूँ शूट, हो सकता है अलाउ करे ना करें तो यहीं से मैं जो भी होता कर रहा हूँ। तो अच्छा यार डेडिकेशन सही है यार, बात भी कर रहा था यहाँ 1000 से 1500-2000 तक में आपको मिल जाता है, आपको क्लासेस मिल जाएंगी, तो बहुत ही सही है, बहुत अच्छा पार्क है यहाँ पे, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं यार, अभी फिलहाल नहीं है लेकिन हाँ ये देखो कितना सही है, आप देख सकते हो यार बहुत ही सही है। तो गाइस पीछे हमारा रोड है, तो बीचों बीच पार्क है, देखो तो बीचों बीच पार्क है, बहुत ही अच्छा पार्क है, लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना, जिनको नुक्कड़ नाटक करना होता है या फिर जिनको रिहर्सल होता है, जो भी एक्टर्स है अपना प्रैक्टिस यहाँ करते हैं, देखो बीचों बीच है। रेड वाले जो भैया दिख रहे हैं ना बैठे हुए, वो सारे डायरेक्टर हैं, इंस्ट्रक्ट वही कर रहे हैं सभी को, तो ये स्टार्ट कर दिए हैं इन्होंने। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है यहाँ पे, ये प्रैक्टिस चल रही है नुक्कड़ नाटक की, अच्छा लग रहा है यार, कुछ अलग देखने को मिला यहाँ पे, ओपन में पहली बार देख रहा हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ज़ूम कर रहे हैं सारे खाते हुए देख रहा हूँ पानी पीते हुए, वीडियो बना रहा था इसको, भैया ने मना कर दिया, बोला मत बनाओ, मगर जितना हो सका बना दिया, उन्होंने मना कर दिया, जबरदस्ती करने का भी लेना है अच्छा नहीं लगता, फिर उनकी प्राइवेसी होगी, हो सकता शो की तैयारी कर रहे हो, मैंने भी नहीं बनाई। तो गाइस अभी अब जा रहा हूँ, सारा कुछ तो दिखा दिया, अब जा रहा हूँ लास्ट, अब विजिट कर रहा हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स जवानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, शाहरुख खान और बड़े बड़े एक्टर जिन्होंने डिप्लोमा कोर्स वहाँ से लिया, ग्रेजुएशन के बाद होता 3 साल का लिया, इन्होंने यहाँ पे सीखा, वहाँ जा रहा हूँ, वहीं पर वीडियो लास्ट करेंगे अपना, और फिर अंधेरा भी काफ़ी हो गया है, हो सकता है क्लियर मेरी आ भी नहीं रही हो ही नहीं, वहीं पर वीडियो लास्ट करेंगे। यहाँ से भी गुजर रहा था तो देख रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे जो थिएटर ग्रुप है वो अपना अपना कोर्सेज लगाए हुए हैं, जिनको जो कोर्सेज चाहिए, जिनको जहाँ एकेडमी जो इनको ज्वाइन करनी है, जहाँ पे थिएटर जिनको ज्वाइन करता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप च्वाइस कर सकते हैं आप कि आपको कहाँ जाना है नहीं जाना, तो यहाँ पे सारे अपने अपने थिएटर ग्रुप होते हैं ना, अपने अपने कोर्सेज, अपने अपने फीस, जैसे 3 डे फ्री वर्कशॉप है, आवाहन एक्टिंग अकेडमी है, एक्टिंग वर्कशॉप है, तो बहुत सारे अपने अपने एक्टिंग वर्कशॉप करवाते हैं बहुत सारे थिएटर ग्रुप, ताकि वहाँ से आप डेमो ले सको, अगर अच्छा रहे तो आप ज्वाइन करो, आपकी मर्जी है, और जिन जो जो एक्टिंग के शौक रखते हैं ना उनके लिए बेहतरीन है, अच्छी बात है ना कि कोई मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपको जो पसंद है अपना वो अकेडमी पकड़ो या फिर थिएटर पकड़ो, बहुत ही अच्छा है। तो फाइनली गाइस हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुँच चुके हैं, और बहुत ही बड़ा है यार, अंदर तो जाने नहीं देगा, बाहर तो दिखा देता हूँ, जहाँ से बड़े बड़े एक्टर निकले हैं, थिएटर आर्टिस्ट निकले हैं, आप देख सकते हो, तो ये है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये है भाई देख क्या लगता है यार, तो ये एंट्री तो देंगे नहीं, बाहर से आपको दिखा, तो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो बहुत ही सही है, यहीं से निकले हैं बड़े बड़े एक्टर यार, ये है ना नेशनल, अब वो क्लियर नहीं आ रहा होगा, वो अंधेरा भी हो गया बहुत, तो सही है। तो गाइस ये है नेशनल स्कूल ड्रामा, तो हम यहाँ पे वीडियो अपना करेंगे, ये देख रहे हो यही है, अभी एंट्री नहीं देंगे, कोविड टाइम चल रहा है तो अभी एंट्री देंगे भी नहीं, तो फ़ायदा नहीं है, बस यही दिखाने आना था कि जिनको भी लेना है एडमिशन
वो ले सकते हैं यार। वहाँ पे यहाँ पे एलिजिबिलिटी ये है ग्रेजुएशन के, ग्रेजुएशन नेसेसरी है, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स होता है यहाँ पे, ग्रेजुएशन के बाद यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ से एडमिशन होती है ग्रेजुएशन के बाद मेनली। तो आप फॉर्म भरो, 3 साल का कोर्स होता है थिएटर में। तो बहुत सारे एक्टर यहाँ से निकले हैं, बहुत ही अच्छा एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है। तो गाइस वीडियो का एंड यहीं करते हैं, काफ़ी अंधेरा भी हो गया है। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मेरा मेन फोकस होता है यार कुछ अलग दिखाने का, कि सारे दिखाते हैं वही अपना लाइफ स्टाइल, तो मेरा कुछ होता है कि कुछ अलग दिखाऊँ, कोशिश करता हूँ कुछ अलग दिखाने की। तो जितना हो सकता है मैं अलग दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं अपना कोशिश जारी रखूँ, बस यही मेरी कोशिश रहती है, और बेहतर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो अब इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ धीमे धीमे, अभी तो नया शुरुआत ही किया हूँ। मेनली मेरा फोकस होता है कि कुछ अलग करने का। और देखो ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं दिखाऊंगा लाइफ स्टाइल, मैं भी अपनी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ जितना हो सकता है ना मैं उतना कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, बस उसी का प्रयास करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे मोटिवेट करना कुछ अलग करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।